नाते काती ओम फो ये भाई है ओम फो। दोस्तों आज के टाइम में इंटरनेट पर कब क्या वायरल हो जाए कोई नहीं जानता। यहाँ आए दिन सोशल मीडिया पर कोई ना कोई वायरल होता रहता है। बीते हुए पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर कई लोग वायरल हुए हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको पांच ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जो साल 2022 में काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को बिना किसी देरी करते हैं स्टार्ट। दोस्तों हमारी लिस्ट के पहले नंबर पर हैं भुवन वाद्यकर। सोशल मीडिया पर वायरल कच्चा बादाम गाना तो आपने जरूर ही सुना होगा, जिसको भुवन वाद्यकर मूंगफली बेचते हुए गाते हैं। बादाम बादाम दादा का चाह बादाम आमा गाचे नाई को बुबू बजा बादाम आमा गाचे पावे सुदु काचा बादाम। भुवन वाद्यकर वेस्ट बंगाल के बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव कुरला जारी में रहते हैं और ये गांव गांव में जाकर मूंगफली बेचते हैं। साथ ही ये मूंगफली बेचते समय कच्चा बादाम गाना गाते हैं। एक दिन हुआ ऐसा, भुवन वाद्यकर अपने गांव के पड़ोसी गांव में जाकर गाना गाकर मूंगफली बेच रहे थे, तभी किसी बंदे ने इनकी वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जो बहुत तेज़ी से वायरल हुई और भुवन वाद्यकर अचानक से पूरे इंडिया में मशहूर हो गए। दोस्तों नंबर दो पर हैं दीपेंद्र सिंह। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। आपने हीरोपंती मूवी का ये डायलॉग तो जरूर ही सुना होगा। वैसे तो हीरोपंती मूवी साल 2014 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस मूवी का ये डायलॉग वायरल अब हो रहा है। दरअसल इस डायलॉग के वायरल होने की वजह है दीपेंद्र सिंह। दोस्तों दीपेंद्र सिंह एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और ये कई बड़े बॉलीवुड एक्टर्स की आवाज़ निकाल लेते हैं। अभी कुछ दिनों पहले दीपेंद्र ने छोटी बच्ची हो गया वाला डायलॉग टाइगर श्रॉफ की आवाज़ में बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट कर दिया था। क्या करें, सबकी आती नहीं, छोटी बच्ची हो क्या, जो बहुत तेजी से वायरल हुआ और लोग तरह तरह के मीम्स और फनी वीडियोज उस पर बनाने लगे। और जब टाइगर श्रॉफ तक दीपेंद्र का यह वायरल वीडियो पहुंचा तो दीपेंद्र को टाइगर श्रॉफ ने मिलने के लिए बुलाया और साथ में वीडियोस भी बनाए जो खूब वायरल रहे। इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर हैं सैयद सज्जाद अली। दोस्तों अगर आप एक रेगुलर इंस्टाग्राम यूजर हो तो आपने इंस्टाग्राम पर सज्जाद अली की कोई ना कोई वायरल वीडियो तो जरूर ही देखी होगी। अभी सूरज नहीं डूबा जैसी शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो और मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हो क्यों, मैं खुद ही हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। सज्जाद काफी छोटे हैं और ये इंस्टाग्राम पर लिपसिंग वीडियोस बनाते हैं, साथ ही ये खुद की वॉइस में भी वीडियोस बना लेते हैं। इतने छोटे होने के बावजूद सज्जाद अली की एक्टिंग किसी टीवी एक्टर से कम नहीं है। अपने बेहतरीन एक्टिंग और एक्सप्रेशन की वजह से सज्जाद अली के इंस्टाग्राम पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और ये काफी कम उम्र में ही बहुत ज्यादा वायरल हो चुके हैं। हर किसी के सामने हम खुद को साबित नहीं करते और कुत्तों की रेस में शेर कभी दौड़ा नहीं करते। दोस्तों नंबर चार पर हैं कामवाली बाई शीला, जिनका असली नाम है अपर्णा तंडेल। कामवाली बाई शीला आज के टाइम में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हैं। अपर्णा तंडेल पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और अभी के टाइम में इनकी उम्र 21 साल की है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपर्णा तंडेल वायरल भले ही 2022 में हुई, लेकिन ये मेहनत बहुत पहले से कर रही हैं। अपर्णा साल 2018 से सोशल मीडिया पर एक्टिव थीं, लेकिन इनको असली पहचान 2022 में यूट्यूब से मिली। ये यूट्यूब पर कॉमेडी शॉर्ट वीडियोज़ बनाती हैं जिनको करोड़ों की संख्या में लोग देखते हैं और पसंद करते हैं। हमारी लिस्ट के पाँचवें नंबर पर हैं किली पॉल। किसी को क्या बुरा समझना, बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ बैठे। ये तंजानिया के रहने वाले हैं और ये इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं और ये इंस्टाग्राम पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। वैसे तो इनको हिंदी नहीं आती है, लेकिन ये काफ़ी मेहनत करने के बाद हिंदी में लिपसिंग वीडियोस बना लेते हैं। दोस्तों किली पॉल इंडिया में वायरल जनवरी 2022 में हुए थे और इनका पहला वायरल वीडियो यह था। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं, झुकूंगा नहीं। फॉरनर होने के बावजूद हिंदी में इतनी बढ़िया एक्टिंग के चलते किली पॉल रातों रात इंडिया में पॉपुलर हुए थे और तब से ये ज़्यादातर हिंदी में ही वीडियोस बनाते हैं। तो दोस्तों ये थे साल 2022 में सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल होने वाले पांच लोग। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को पहली बार देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इसी चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेंगी।